नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं क्लास नाइन्थ का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल्स। देखिए, आपकी बुक में यानी एनसीईआरटी में पॉलिनोमियल्स को एल्जेब्रिक तरीके से समझाया गया है, बट कैसा हो कि अगर आप इसका एक ग्राफिकल व्यू देखें। वैसे टेंथ क्लास की एनसीईआरटी में ग्राफिकली भी काफी कुछ है बुक में, तो मैं आपको कुछ कंटेंट्स दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन मिलेगा, देन हम उसको ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली कनेक्ट करेंगे। पीछे कुछ वीडियो चल रहे हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हो कुछ माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स में स्लोप कहीं पे अपवर्ड जा रहा है, कहीं पे डाउनवर्ड आ रहा है। नेक्स्ट फोटो में एक बास्केटबॉल का प्रोजेक्टाइल आप देख सकते हैं। जब हम बॉल को बास्केट करते हैं ऊपर की तरफ, तो बॉल पहले अपवर्ड जाती है, फिर बास्केटबॉल में गिर जाती है, तो एक इस तरह का एक शेप बनता है। ठीक है, यह भी एक तरह का पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट आप एक स्विमर को देख सकते हैं जो एक हाइट पर जाकर पानी में जंप लगा रहा है, तो जंप करते वक्त हवा में उसने जो प्रोजेक्टाइल बनाया है वो भी एक तरह का पॉलिनोमियल है। आगे आप एक रोलर कोस्टर की स्लाइड देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह की है, यानी कि डाउनवर्ड आपको एक यू जैसी शेप दिख रही है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। आइस में जब स्केटिंग करते हैं तो जो स्केटिंग करने वाला पर्सन है वो एक जंप लेके फिर से ग्राउंड पर लौट के आता है, तो इस तरह से जो पाथ वो बना रहा है वो भी एक पॉलिनोमियल है। अब चलिए आपको एल्जेब्रिकली समझाता हूं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने कुछ ग्राफिकल एग्जांपल्स देखे, अब मैं एल्जेब्रिकली आपको लेके चलता हूं एनसीईआरटी में। तो नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर होगा पॉलिनोमियल्स। बेसिकली क्या होता है, इसकी शुरुआत हम एक्सप्रेशन से करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेशन होता है जिसे आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। यह कुछ इस तरह का दिखता है, आपने देखा होगा 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन होता है। बस यहीं से पॉलिनोमियल का कंसेप्ट निकल कर आता है। मैं बहुत सिंपल सी भाषा में, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। देखिए, अगर इसमें एक्स की पावर जहां कहीं भी दिखे वो होल नंबर हो, होल नंबर ओनली, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी, तो उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे, अदरवाइज वो सिर्फ एक्सप्रेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये कहता हूं कि एक्स अपॉन 2, ठीक है, चलिए 2 यहां लगाते हैं, 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें आप पॉलिनोमियल नहीं कर सकते इसको, बिकॉज इस टर्म के अंदर x की पावर होल नंबर है, कुछ भी नहीं है, तो मन मान सकते हैं, बट इस वाली टर्म में x की पावर होल नंबर नहीं है, बिकॉज इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 इंटू एक्स पावर माइनस 2 में कन्वर्ट होगा, माइनस 2 इज नॉट ए होल नंबर, तो ये वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस तरह से आप सारी टर्म्स को चेक करें, जहां भी x की पावर होल नंबर नहीं है, अगर किसी भी टर्म में ये कंडीशन फेल होती है तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता, उसको एक्सप्रेशन कर सकते हैं बट पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो फिर इस चैप्टर में मैं कुछ बेसिक बातें कवर कर रहा हूं, उसके बाद में जैसे भी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम कुछ और कंसेप्ट देखेंगे, वो डिपेंड करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। चलिए मैं यहां पर देखिए आपको क्या बताऊंगा। सबसे पहले पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में स्टडी करेंगे, फिर उसके जीरोस, फिर हम फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, और इस तरह से कुछ छोटी छोटी बातों को कवर करते हुए हम चैप्टर को फिनिश करेंगे, राइट। हर चीज का मैं एक एग्जांपल दूंगा जो उस क्वेश्चन से रिलेवेंट होगा, उससे रिलेटेड होगा, तो इस चैप्टर में बड़ा मजा आएगा बच्चों, और इस वीडियो को शेयर करना, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, उसके बाद में एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं डिग्री की बात करता हूं, राइट। अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं तो उसमें सबसे पहले एक पी लेटर यूज किया जाता है, कैपिटल पी, ब्रैकेट में एक्स लिखेंगे या वाई लिखेंगे। पी का मतलब पॉलिनोमियल और एक्स का मतलब किस वेरिएबल में आप पॉलिनोमियल डिफाइन कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35, तो इसमें हर जगह मैंने x यूज किया है, इसलिए हम यहां पर x मेंशन करेंगे, राइट। अगर यहां y होता तो x की जगह पे हम y मेंशन करते। इसकी डिग्री की बात करें तो 2 होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। अगर मैं यहां पर कुछ और पावर यूज करता हूं जैसे x पावर 10, तो अब इसकी डिग्री 10 हो गई है, बिकॉज हाईएस्ट पावर 10 है, राइट। डिग्री आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में जीरोस की बात करते हैं। देखिए जीरोस क्या होता है, अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो हम उसको जीरोस कहेंगे, अदरवाइज एक जीरो होगा। जीरो का सिंपल सा मीनिंग है सॉल्यूशन, और कभी कभी इसको हम रूट्स भी कह देते हैं। ये टर्म आप क्लास टेंथ में यूज करेंगे, ध्यान से सुनना हर बात को, क्लास टेंथ में ये टर्म यूज करेंगे रूट्स, क्योंकि वहां पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, यहां पर हम पॉलिनोमियल्स जो है उनका सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, तो हम मतलब रूट कह सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब पॉलिनोमियल को सोल्व करते हैं तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट होता है, उसके आगे इक्वल टू जीरो लिखकर उसको सोल्व करते हैं। चलिए मैं इसका कंसेप्ट आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा एक्स प्लस 5, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इस वैल्यू को मुझे जीरो करना है तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू माइनस 5 होनी चाहिए, क्योंकि अब ये कैंसिल आउट होकर जीरो बन रहा है, तो माइनस 5 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, किसका, एक्स प्लस 5 का, तो मैं इसको एक पॉलिनोमियल मान सकता हूं। px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इस पॉलिनोमियल का एक सॉल्यूशन क्या होगा,
माइनस फाइव, क्योंकि इस माइनस फाइव की वजह से ये जीरो में कन्वर्ट हो गया, तो माइनस फाइव जो है वो जीरो है, इसको सॉल्यूशन कह सकते हैं, इसको रूट कह सकते हैं। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर वन है, तो इसका एक जीरो होगा, क्वाड्रेटिक के टू जीरोस होते हैं, क्यूबिक के थ्री होते हैं और बाई क्वाड्रेटिक के फोर होते हैं, तो जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। चलिए टर्म्स के बारे में बात करते हैं, टर्म्स के साथ में कोफिशिएंट आते हैं, तो एक पॉलिनोमियल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टर्म्स होता है। जैसे मैंने थ्री टर्म्स कलेक्ट की, मान लीजिए मैंने लिखा 3x² - 8x और प्लस, कुछ भी लिख सकता हूं मैं। एक बात और ध्यान रखें, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है जब यहां पर रूट लगा दिया जाता है, ये अभी भी पॉलिनोमियल है क्योंकि रूट हमने 8 पर लगाया है, x पर नहीं लगाया। अगर मैं इसी रूट को x पर अप्लाई करता हूं तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये x की पावर हाफ बन गई है, यानी 1/2, और 1/2 एक होल नंबर नहीं होता, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। बट कॉन्स्टेंट के साथ आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी उसकी पावर हो, ठीक है, ये हो सकता है, नीचे कोई भी एक नंबर आप लगा सकते हैं, या यहां पर आप रूट लगा सकते हैं, नेगेटिव कुछ भी कर सकते हैं, तो ये कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। एक्स की पावर होल नंबर होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। यहां पर टोटल कितनी टर्म्स है, 1, 2 और 3, तो ये टर्म्स के अकॉर्डिंग इसका नाम होगा ट्राइनोमियल, बट डिग्री के अकॉर्डिंग इसका नाम होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी ध्यान रखें। अच्छा, आप देखते हैं कोफिशिएंट की बात करते हैं, यहां पर x² का कोफिशिएंट है -√3, साइन हमेशा साथ रखें, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या है, -√8/3, और ये हुआ कांस्टेंट टर्म, तो इसकी एक जनरल फॉर्म होती है, उसे हम कंपेयर करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c, आप इसको स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म कुछ भी कह सकते हो, हमेशा याद रखना, एग्जाम में कभी जनरल फॉर्म पूछी जाती है और कभी कभी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो दोनों का एक ही मीनिंग है। कंपेयर करते हैं, x² का कोफिशिएंट a हुआ, तो यहां पर इसका कोफिशिएंट -√3, मतलब हम कहेंगे a = -√3। x का कोफिशिएंट b हुआ, यहां पर -√8/3, तो b की वैल्यू हो जाएगी -√8/3, और कांस्टेंट टर्म जो बच गई वो हो गया c, तो c = 100। इस तरह से a, b और c को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स, ये जो है सारे ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है, इनकी नेचर रियल नंबर्स होती है। रियल नंबर आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स कुछ भी आ सकता है, ठीक है। दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, या आप कह सकते हो स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, बहुत यूजफुल है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे, ध्यान से आप कहीं भी नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। देखो, जब डिग्री की बात करते हैं तो ये होता है मैक्सिमम हाईएस्ट पावर, ठीक है, आप इसको हाईएस्ट पावर भी कह सकते हो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ऑब्वियसली वेरिएबल होगा। एक और रिलेशन है, अगर मैं ये कहूं मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो होता है डिग्री प्लस वन, ये सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में आपको बिल्कुल ऑर्डिनरी स्टेटमेंट लग रहा होगा, ठीक है, ये आप जानते हैं, अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए मैं एक क्वाड्रेटिक एग्जांपल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा 3x² - 8x + 27, ठीक है। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, टोटल 3, क्या फोर्थ टर्म हो सकती है, नहीं हो सकती, बिकॉज एक पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल की डिग्री को डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। देखो यहां पर 2, 1 और यहां कुछ भी नहीं है, तो x की पावर 0 आप लिख सकते हो, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अगर मान लीजिए मैं इसको डिलीट, सॉरी इसको इरेज कर देता हूं, क्या अभी भी ये क्वाड्रेटिक है, यस व्हाई नॉट, ये क्वाड्रेटिक है, टर्म्स यहां पे 2 है बट ये x की हाईएस्ट पावर यहां पे 2 है, अभी भी ये क्वाड्रेटिक है, क्या अब ये क्वाड्रेटिक है, ऑब्वियसली क्योंकि अभी भी x की पावर हमारे पास 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस एग्जांपल से आपने क्या देखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो सकती है, या नंबर ऑफ टर्म्स 2 भी हो सकती है, या कुछ कुछ भी मैं यहां पे लिख दूं, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो सकती है, फोर्थ टर्म का यहां पे कोई चांस नहीं है। तो अब ये फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स डिग्री प्लस 1, मतलब इसकी डिग्री 2 है तो टर्म्स कितनी होगी, 3 होगी। इसी तरह से अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री 3 होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 4 होगी। तो कोई भी अगर क्वेश्चन में पूछे कि अगर किसी पॉलिनोमियल में डिग्री मान लीजिए 100 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स = 101 होगी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं इस तरह के, आप ये कंसेप्ट ध्यान में रखें, ठीक है, ओके। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इस चैप्टर में, फैक्टर थ्योरम। देखो क्या होता है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं आपको कहूं कि x² - 4x + 3 इसको आप डिवाइड करो x - 1 से, तो रिमाइंडर क्या होगा।
अब अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो होगा। ठीक वैसे ही जैसे अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड करूं तो 3 5 15 रिमाइंडर जीरो, मीन्स 3 इज द फैक्टर ऑफ 15। बट यहां पर मैं 16 लिखता हूं तो मेरा रिमाइंडर 1 बचता है। यहां से हम कह सकते हैं 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 16। बस ये कंसेप्ट यहां पे अप्लाई करना है, बट जरूरी नहीं कि आप डिवीजन करके करें। लास्ट ईयर डिवीजन वाला जो मेथड है वो सिलेबस में था, अब एनसीईआरटी ने सिलेबस इसको रिमूव कर दिया है, तो बिना डिवीजन के कैसे करें? देखें, जिससे डिवाइड करना है उसका जीरो निकालेंगे। जीरो कैसे निकालेंगे? इसको इस तरह से सोल्व करके, तो एक्स की वैल्यू 1 मिल गई। अब इस वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी एक्स को 1 से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, चेक करेंगे इसकी वैल्यू क्या आती है। देखो x इक्वल टू 1 पुट किया मैंने, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, 1 माइनस 4 प्लस 3, इसकी वैल्यू माइनस 3, इसकी वैल्यू प्लस 3 इक्वल टू 0। मतलब अगर आप रियली अगर डिवीजन करते, डिवीजन परफॉर्म करते तो फाइनली आपको रिमाइंडर 0 मिलता, जो डिवीजन का प्रोसेस है। लेकिन बिना डिवीजन के भी हम पता कर सकते हैं, यही फैक्टर थ्योरम का कमाल है। तो अब हम कह सकते हैं x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, बस यही फैक्टर थ्योरम है। तो एक्सरसाइज सोल्व करते वक्त आपको ध्यान रखना है, जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं उसका जीरो निकालेंगे, यानी सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको गिवन पॉलिनोमियल में x की जगह पे पुट कर देंगे, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी सोल्व करेंगे तो जीरो आएगा। अगर जीरो आएगा तो ये इसका फैक्टर है, कुछ अदर नंबर आए तो हम कह देंगे दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। और बाकी कुछ आइडेंटिटीज हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ये कुछ बेसिक आइडिया था कि आप चैप्टर 2 में क्या पढ़ेंगे आपको पता होना चाहिए, जिससे कि जब आप क्वेश्चन सोल्व करें आपको बहुत इजी रहेगा, पहले से कंसेप्ट आपके माइंड में रहेगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे, वीडियो को दोबारा देखना, और हाँ प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि स्किप करके आप जब आगे जाते हो कुछ और कंसेप्ट देखते हो तो बीच में जो भी आपकी कनेक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो वीडियो को पूरा देखना और जरूर शेयर करना, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।